विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी ने महाराष्ट्र कार्यकारिणी को भंग कर श्री कार्यकारिणी का गठन किया। संदीप वेद को हटाकर युवराज मारुति चौहान को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए हमारी यह खबर। मला माझी युक्ती केलेली आहे महाराष्ट्र लेवलमध्ये निवडून दिलेलं आहे रवींद्र त्रिवेदी साहेबांनी। आज मला गर्व आहे की मला ह्या पदावरती निवृत्ती झाली माझी आहे। आज आमचा जो धर्म आहे मराठी धर्म हिंदू धर्म जो आम्हाला हिंदू समाजाला काही लोक भरपूर विरुद्ध करायला लागले आहेत तर त्या धर्मासाठी आम्हाला काही ना काही आम्हाला पुढं जाण्याची एक आम्हाला शक्ती आली म्हणजे होऊन आलेली आहे करून तर आम्हाला कुठंतरी आम्हाला लेवलवरती ह्या धर्माला घेऊन जायचं आहे। त्याकरता मी ह्या महाराष्ट्रामध्ये सर काफी जो है हिंदू भाई है जो कि आपस में लड़ जाते हैं उन्हें किस तरह से जो है समझाया जाएगा किस तरह से एक किया जाएगा? नहीं हमारे भाई हिंदू भाई लोग आपस में लड़ रहे नहीं आपस में लड़वा रहे आपस में लड़ रहे नहीं आपस में लड़वा रहे। कौन लड़वा रहा है सर? बस लड़वा रहे इसका मतलब क्या है लड़वा रहा वो आपस में लड़वा रहे इसका मतलब क्या वो लड़वा रहे वो मैं किसी का नाम नहीं है लड़ रहे नहीं है लड़वा रहे रहे। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो कि पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली पठान मूवी पर किस तरह से विरोध किया जाएगा? नहीं हमने तो कुछ देखा ही नहीं पिक्चर तो हम कैसा क्या बोलेंगे सर आप बताइए। आप आज जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे मुंबई के जो पदाधिकारी हैं उनकी घोषणा हुई है और मुंबई में आज मारुति साहब के नेतृत्व युवराज चौहान साहब के नेतृत्व में कम से कम पूरे महाराष्ट्र के 30 से 35 जिलों के जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं और जिनकी घोषणा बहुत ही जल्द एक बड़ी सभा में की जाएगी। ये कार्यक्रम आज जो जल्दबाजी में एक छोटी जगह पे हम लोग ने किया। किस तरह से पद दिया गया है और कितने पद दिए गए हैं? मैंने बताया महाराष्ट्र के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवराज चौहान जी आज नियुक्त किए गए। महाराष्ट्र के अगली घोषणा वो जल्द ही बड़े मंच से करेंगे और मुंबई के कुछ पदाधिकारियों की आज घोषणा हुई है। सर आगे काफी हिंदू भाई हैं जो कि बिखर गए हैं उन्हें किस तरह से एकत्रित करने का काम करेंगे? जैसा कि आप लोग को मैंने अभी भी बताया अपने भाषण के द्वारा कि हम सबसे पहले जाति व्यवस्था पर प्रहार करेंगे। हम अपनी वर्ण व्यवस्था को वापस लाने का कार्य करेंगे। वर्ण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिससे हर समाज का व्यक्ति अपने कामों से पहचाना जाता था ना कि किसी के ऊपर मतलब ये छोटी और बड़ी ऊंच नीच जैसी व्यवस्था थी। सर जो है काफी जो है अहम बात है जो कि जो शाहरुख खान की फिल्म पठान है भगवा जो बिकनी है इस पे लेके काफी विवाद हो रहा है जो कि 25 तारीख को रिलीज होने वाले क्या कहना चाहेंगे इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग को इस फिल्म का और जो भी सनातन धर्म का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म है हर फिल्म का विरोध करते हैं और हम जब हम देखेंगे नहीं तो विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं चाहूंगा देश के हर नागरिक को आप इनकी पिक्चरों का विरोध मत करिए उनका फ्री में प्रमोशन मत करिए आप इन पिक्चरों को देखना बंद कर दीजिए अपने आप ऐसी पिक्चरें बनना बंद हो जाएंगी। कहेंगे सर जो बात करें तो हिंदू के साथ जो है बहन बेटी है काफी अत्याचार हो रहा है तो किस तरह से इन्हें बंद करने का काम करेंगे? जिस तरीके से आपने आज देखा हमने महिला सशक्तिकरण को सही मार्गदर्शन के साथ आगे लाने का कार्य कर रहे हैं और ये जल्द ही जल्द हमारी बहन बेटियां जो ऐसे शिकार हो रही है उनका शिकार हमारी मातृशक्तियां ही खत्म कर देंगी। क्या क्या विशेष कार्य होने वाला हिंदू संघ सेवा से और इसके बारे में क्या योजना होने वाली है इसके बारे में? मैं आपको बताना चाहूंगा विश्व हिंदू सेवा संघ हमारी युवाओं
के रोजगार की व्यवस्था के लिए कार्य कर रही है और बहुत ही जल्द पूरे देश में हम अपने जो हमारे रोजगार छिन गए, हमारे जो रोजगारों में भी हमने जो जाति व्यवस्था ढूंढी है, रोजगारों में भी छोटा बड़ा जो ढूंढा है, उस व्यवस्था को एक नई दिशा दे करके हम आज आपको जो है पद दिया गया है जो है विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उत्कंठा पहले भी थी कि मैं ऐसे किसी मतलब संगठन से जुड़ूं। मैं तो जब से जानता हूं तब से ऐसे कार्य कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है हमारे हिंदू भाइयों में, आप पूछ रहे थे ना कि फूट क्यों पड़ती है सर, तो फूट का कारण है जो धर्म परिवर्तन होता है, सबसे बड़ा कारण है इसका अधूरा ज्ञान। पहली चीज़ हमारे धर्म के बारे में, जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसके प्रति सहभागी नहीं हो सकते हैं। और दूसरे धर्म में क्या होता है कि उनको देखिए हरदम पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। हमारा तो धर्म पहले से ही मतलब इतना आगे था, प्रचार प्रसार हुआ था, और उसको किस तरीके से खंडित किया गया ये सबको मालूम है। तो अगर हम बात करें जो है, देखो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में तो हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं जी। तो जो है आपस में जो है अगर बात करें जो है बीजेपी या कांग्रेस की, या शिवसेना है बीजेपी या कांग्रेस में पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो आपस पार्टी जो है जब लड़ जाती है तो हिंदू ही भाई है, तो क्यों लड़की है, इसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए हिंदू भाई है ये सही है, हमें पार्टी से कोई बैर नहीं है। जो हमारे हिंदुत्व के खिलाफ जो पार्टियां कदम उठाएंगी हम उसके खिलाफ हैं और सदैव रहेंगे। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, हम ये नहीं बोलते बीजेपी ऐसी है। जो हमारे धर्म के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे हम उसके विरुद्ध सदैव खड़े मिलेंगे। तो काफी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह से जो है विश्व हिंदू सेवा संघ जो है उनको न्याय दिलाएगी? इस तरीके से दिलाएगी कि जिसको जो चीज की जागरूकता नहीं है हम उसको निकाल के देख के, जो भी हमारा वेद है विधान है उसमें से देख के, हमारे जो मतलब महानतम जन है, श्रेष्ठ मुनिजन या पढ़े लिखे विद्वानगण, उनसे पूछ करके, वो मतलब कहते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन तो थोड़ा टाइम या महीने में दो चार दिन तो टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। जब तक हम उनको ये चीज के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तब तक ये चीज बंद नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से काफी पदाधिकारी को जोड़ा गया, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए विश्व हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारियों का जो आज हम लोगों ने जोड़ा है, उनको पद दिया है, इसलिए कि विश्व हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारी बढ़ें, मतलब उसके सदस्य बढ़ें, और उनके अंदर उनके ऊपर जो आघात हो रहा है उसको हम लड़ाई लड़ सकें, इसके लिए आज इस प्रकार की बैठक हुई है। तो ये कहाँ कहाँ से लोगों को जोड़ा जाएगा, बताना चाहिए? ये पूरे महाराष्ट्र को हमने जोड़ा है, मुंबई प्रदेश को जोड़ा है, मुंबई प्रदेश में कई जिला के अध्यक्षों को चुना गया है, मुंबई अध्यक्ष चुना गया है, और बरसोवा के जैसे क्षेत्र है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इनका चुनाव किया, उस्मानाबाद का किया गया है। सोलापुर के अभी तक के जो है कितने जो है पदाधिकारी जुड़ चुके हैं टोटल? करीब मुंबई महाराष्ट्र में 500 लोग जुड़ चुके हैं और उनके सदस्य हैं करीब 1 लाख के ऊपर है।